अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेष टच चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 50 साइज़ के कोट की कटिंग बताऊंगा। दोस्तों चेस्ट मेरा 50 है और पेट मेरा 53 है, पेट वाला भी दोस्तों है, तो मैं बहुत ही बारीकी से आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में शो होती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो के ओर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 50 साइज का कोट की कटिंग। चेस्ट दोस्तों मेरा 50 है और पेट भी है, इसमें 53 पेट है। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस तरह से कटिंग की जाती है पेट वालों की। 50 साइज का कोट है दोस्तों। सबसे पहले हम लेंथ का निशान ले लेंगे, जितना इंच आपको दबाव रखना हो, 2 इंच 1.5 इंच आप दबाव ये रख सकते हैं। सबसे पहले बैक काटेंगे इस तरह से। दोस्तों हम दबाव ले लेंगे। दोस्तों लेंथ है 31, बाकी मेरी नाप आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं। लेंथ जितनी भी हो, अगर पेट वाला इंसान है तो 1/2 इंच कम करके बैक लगाएंगे, यानी 31 है तो 30.5 इंच पे आप बैक लगाएंगे, 30.5 इंच ये रखेंगे दोस्तों। और ये मार्क लगाया, उसके बाद 1/4 इंच नीचे ये मार्क लगाएंगे और बैग जो रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 10 रखेंगे दोस्तों, इस तरह से 10 पे ये मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1/4 इंच ऊपर यानी 9 इंच पे ये मार्क लगाएंगे, इस तरह से दोस्तों। पेट आएगा लगभग दोस्तों मेरा 18 इंच पे ये। अब स्क्वायर लेके सभी मारिक को मिला लेंगे, इस तरह से खींच लेंगे ये। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेट वाला इंसान है, किस तरह से कटिंग की जाती है पेट वालों की ये। अब दोस्तों 1.5 इंच ये रख के 1 इंच पे ये मारिक लगा लेंगे और 1.5 ये रख के 1/2 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शेप लगाने में आसानी हो। यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। अब शेप पट्टी लेके इस तरह से दोस्तों इसी मार्क पे आप शेप के हिसाब से, मार्क के हिसाब से शेप दे देंगे, इसलिए मैं नाप के बता देता हूँ तो लोगों को शेप का निशान लगाने में आसानी होती है। टीक दोस्तों रखेंगे 3.5 इंच पे, ये हमने टीक लगा लिया। दोस्तों नॉर्मली चेस्ट का ये 12वां हिस्सा होता है, क्योंकि साइज जब बड़ा हो जाता है तो सारा फार्मूला फेल हो जाता है, इसलिए आप ये 50 साइज में आप टीक रख लीजिए 3.5 इंच, क्योंकि 36 के बाद फार्मूला जो होता है वो सारा फेल हो जाता है। 42 तक लगभग आते आते फार्मूला सब फेल होता जाता है, लेकिन उसी के आसपास हमको रहना है फार्मूले के, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। तो दोस्तों शोल्डर है 20 तो 10 से 1 फुट कम ये करके शोल्डर का निशान ले लेंगे। क्रॉस बैक दोस्तों लगा लेंगे, हमने क्रॉस बैक नाप लिया था तो आप भी आइडिया के लिए नाप लीजिए, कभी बड़ा साइज हो, नहीं तो नॉर्मली शोल्डर से 1/2 इंच कम होती है तो हम 9.5 इंच ये क्रॉस बैक हो जाएगी मेरी। अब दोस्तों पेट पे 6ठा हिस्सा हमको लगाना होता है, तो 53 पेट है, 9 छंग होता है 54, तो पेट वाला है तो थोड़ा सा ये है, 9 छंग 54 होता है, तो 9.5 छठा हिस्सा हमको लगाना है, ये लगभग 9.5 आएगा, 9 1 सूत कम यही आएगा। उसके बाद दोस्तों हिप है, हिप थोड़ा कम है, ये भी 6ठा हिस्सा हमको लगाना है, 8 छंग 48 होता है तो 8.25 लगभग आएगी ये। अब दोस्तों शेप पट्टी से इस तरह से हमको बैक से ज़्यादा पेट नहीं निकालना है, तो थोड़ा सा हम कम ही पेट लेके चलेंगे, फूलने नहीं पाए बैक से पेट, इस तरह से दोस्तों ये हम
शेप दे देंगे, भले ही दो सूत अंदर हो जाए लेकिन हमको बैक से पेट नहीं निकालना है। जितना भी हमको पेट निकालना होगा हम फ्रंट से निकालेंगे, लब से निकाल लेंगे, इस तरह से दोस्तों एडजस्ट करेंगे। ये इस तरह से हमको निशान देना, पीक का हम निशान लगा लें, ये दोनों के बीच में स्केल रख के इस तरह से एक मारिक ले लेना है। अब दोस्तों यहाँ से पौन इंच ऊपर ये मारिक लगाना है। अब टीक को उसी मारिक पे ले आके इस तरह से ये मिला लेना है। अब दोस्तों इस जगह पे इस तरह से इसको ऐसे हटके इसको ये काट लेना है। लगभग गिराव मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 2.25 इंच आपको गिराना है। ये देखिए 2.25 इंच टीक, ये यहाँ से 2.25 इंच आपको गिरा लेना है। साइड ओपन है दोस्तों, चाक का निशान लगा लेना है 9.5-8.5-9 इंच पे। साइज लंबा है तो चाक ज़्यादा लगा लीजिए, हम 9 इंच पे लगा लेते हैं। अब 2 इंच दबाव रख देते हैं, ये मेरी हो जाएगी साइड चाक। दो बटन का कोट है दोस्तों, साइड ओपन रहेगा। ये देखिए दोस्तों ये मेरी बैग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो मेरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में शो होती रहे। क्योंकि 50 साइज़ है, बड़ा साइज़ है तो हमको भी थोड़ा तो ध्यान रख देना पड़ेगा इसमें। इस तरह से ये मारी पे ही मेरी स्टिचिंग होगी। अब एक मारी इसको ये इस तरह से लगाएंगे, एक सूत नीचे यहाँ से, उसके बाद कट मार लेंगे। तो दोस्तों देखिए लेंथ मेरी 31 है लेकिन हमने इसको 30.5 इंच बैक काटी, 0.5 इंच कम, क्योंकि अगर लेंथ के हिसाब बराबर काट देंगे तो मेरी बैग पीछे से लटकने लगेगी। ये मेरा ऑर्डर नंबर है। अब आस्तीन काट लेते हैं दोस्तों ये कोट हमको अगर 50 है, चेस्ट 50 है तो हमको ये 46 के हिसाब से काटना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। आस्तीन के लिए इस तरह से हम ले लेंगे 1.25 इंच पे मारी ये लगा लेंगे और यहीं से हमको सारी लेंथ लेके चलना है। लेंथ दोस्तों मेरी है आस्तीन की 24.25, तो ये 24.25 इंच पे ये मारिक लगा देंगे। अब दोस्तों हमको छठा हिस्सा गिराना होता है, तो 46 का छठा होता होगा 7.5 होता है, 7.5 ही इसका गिराव रख लेंगे। इस तरह से दोस्तों हम इस मारी को भी मिला लेंगे, इसको भी दोस्तों इस तरह से। अब दोस्तों कुंडली का निशान लेने के लिए क्या करेंगे, इस यहाँ ऊपर वाले निशान से इसको देखेंगे कितना आ रहा है, 25.5 आ रहा है, तो इसका आधा होता है 12.5, 12.5 से 1 इंच बढ़ा के ये कुंडली का निशान मेरा हो जाएगा। इसको भी इस तरह से खींच लेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमको भी ध्यान ही लगाना पड़ रहा है, बड़ा साइज है तो झटके एक बार की मैं बिना समझे नहीं काट सकता इसको, थोड़ा सा हमको भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, उस टाइम बताने में मेरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाए, इस वजह से हमको ध्यान देना पड़ रहा है। अब दोस्तों शेप देख लीजिए, मैं तो ऐसे ही लगा देता हूँ लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ किस तरह से शेप आपको लगाना है। जिससे आपको आसानी होगी शेप लगाने में दोस्तों, जब शेप आप शुरू करिए तो ये जो स्क्वायर से आपने निशान लगाया है, यहाँ से 2 सूत लीजिए, यहाँ से 0.5 इंच लीजिए, यहाँ से 0.25 इंच ये मारिक लगाइए, ये देखिए 0.5 इंच, और उसके बाद इसी जगह पे मिला दीजिए दोस्तों। 46 है
46 से हमको चलना है 50 है तो 46 का होता है 11.5, तो 1.25 कम कर देंगे, 11.25 हम 3 काटेंगे इसकी, 11.25 का आधा होता है 5.5 से 1 फुट कम, यहाँ पे 1.5 इंच कम रखेंगे 11.25 का 9.25, और लगभग ये 11.25 इंच मेरी 6.5 रखा है तो 11.5 इंच मेरी मोहरी आ जाएगी। अब इसको इस तरह से दोस्तों हम मिला लेंगे, दोस्तों अगर आपको शेप ठीक ना लगे तो आप कैंची चलाते वक्त शेप ठीक कर सकते हैं। इसको ये सेंटर का जो निशान लिया था इसको इस तरह से आप पानी उठा लेंगे, यहाँ से 1.25 इंच पे मारिक लगा लेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब इस जगह पे इसको इस तरह से ऐसे काट लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 1.25 इंच पे ये मारिक लगाएंगे, 1.25 इंच एक सूट पे ये मारिक लगाएंगे। अब अच्छा से इसको दोस्तों शेप देते हुए ये इसी तरह इसको इस तरह से देख के अच्छा लगना चाहिए दोस्तों शेप। अब देखिए दोस्तों ये 11.5 आया, यानी 46 के हिसाब से हमने इसकी स्टीन काटी है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब एक बार इसकी हम लेंथ देख लेते हैं, 24.25 लेंथ आ रही है, ये मारिक से लेंथ को आपको मिलाना है। तो दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो जरा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप कर देंगे तो चार चीज़ें मैंने कहाँ पे बताई है आप नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता वीडियो देखने के बाद भी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आंसर ज़रूर दूंगा आपकी बातों का। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को अगर समझ में आए तो लाइक कर दिया करिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए दोस्तों ये मेरा गोला हो गया है। अब हम ताल काट लेंगे, इस तरह से कपड़े को रखेंगे, इस तरह से हम बिछा लेंगे, ये यहाँ पे मेरी बैग आ जाएगी आराम से। अब क्या करेंगे दोस्तों, सारा मारिक जो हमने लगाया है सबका बैलेंस का निशान ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से ये निशान ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से जो मारिक ये है, यहाँ से 2 सूट पे ये मारिक लगाएंगे, यहाँ पे 1/2 इंच पे लगाएंगे, और यहाँ से 1/4 इंच पे ये मारिक से आपको चलना है, 2 सूट 1/2 इंच 1/4 इंच पे ये मारिक लगाएंगे। अब इसको इस तरह से करके नीचे आप मारिक लगा लेंगे इस तरह से, और इसको आस्तीन को इस तरह से आपको करना है। अब इधर भी बैलेंस का निशान सारा ले लेना है ये, अब इसको हटा लेना है हमको ये, तो हम इसको निशान को सारे निशान को पक्का कर लेंगे इस तरह से। ये अब हम ये निशान लगा लेंगे दोस्तों, बिल्कुल सेंटर से होके ये निशान जाना चाहिए,
गोले के सेंटर से, इसके सेंटर से नहीं, गोले के सेंटर से। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद राउंड हो जाना चाहिए, ये जो सेंटर का निशान है यहीं से राउंडिंग इसकी शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों हम थोड़ा सा तेज लेके ही चल रहे हैं क्योंकि अगर हम स्लो समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम सोच रहे हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। आपको जितना दबाव रखना हो आप ताल में रख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये मेरी आस्तीन की कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरह से मेरी आस्तीन चढ़ जाएगी। अब दोस्तों अब हम फ्रंट का निशान लगा लेते हैं। फ्रंट का निशान कैसे लगा रहे हैं ये देख लेते हैं। कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। अब बैग ले लेंगे। बैग को इस तरह से रख लेंगे। हमको दोस्तों पेट निकालना है लब से, तो लब पे हम इतनी मार्जिन लेके चलेंगे कि पेट निकाल सकें। तो यहां से समझ लीजिए 2 इंच पीछे होके ये मार्क लगा लेंगे, 2 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे क्योंकि अभी हम लब से पेट निकालेंगे तो ये लगभग ये इतना आएगा। उस हिसाब से हमको पहले से ही इतनी मार्जिन लेके चलना है। ये हो गया। अब बैग को इस तरह से रख के हम सारे निशान को इस तरह से निशान ले लेंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से सारे मारीक को ले लेना है। ये दोस्तों अब ये लब से 4.5 इंच पे ये मारीक लगा लेंगे, 3.5 इंच पे ये मारीक लगा लेंगे और 3 इंच पे ये मारीक लगा लेंगे। अब हम इसकी लूजिंग रखेंगे, देख लेते हैं मेरी क्रॉस बैक तैयार कितनी आएगी। 9.5 को इस मारीक पे रखेंगे। दोस्तों 50 चेस्ट है तो 25 पे ये लगा देंगे और 1/2 इंच और बढ़ा लेंगे, वो सिलाई में जो एडजस्ट हो जाएगा। 8.5 ये बैग तैयार आएगी, 8.5 ये रखेंगे। 53 पेट है मेरा तो 26.5 इंच और सिलाई ये मारीक लगा लेंगे। दोस्तों हिप है तैयार बैग में, 8.5 इस मारीक पे रखेंगे। इस तरह से 49.5 है तो 25 और सिलाई चली जाएगी। दोस्तों ये देखिए मेरा पेट कितना बाहर जा रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, जितना शेप अच्छा लगे, बहुत फूले नहीं, उस हिसाब से हम शेप ले लेंगे। ज़रूरी नहीं कि इस निशान पे ही आप मिलाइए, नहीं जितना शेप आ रहा हो उतना शेप ले लीजिए। इस तरह से इसको वैसे मिला लीजिए। देखिए यहाँ ये बारीक से भी मेरा आगे जा रहा है 1 इंच, तो हम डार्ट से इसको दाब देंगे इस तरह से हो। अब दोस्तों बैग को हम थोड़ा सा 1/4 इंच 3 सूत 2 सूत ऊपर करेंगे सेंटर के निशान से। इससे क्या होगा, मेरी बैग पीछे से लटकेगी नहीं,
बैलेंस का ये निशान हम ले लिया थोड़ा सा बैक को ऊपर करके। अब जो दोस्तों हमने ये मार्जिन जो लगाया है इसको सारी मार्जिन को इस तरह से मिला लेंगे। बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ कोट की कटिंग। ये सारे मार्जिन को आपने मिला लिया दोस्तों। ये जो हम अभी अंदर आए हैं एक इंच, तो हम पेट को निकालेंगे लव से। जितना हम यहाँ से पीछे हुए हैं उतना हम लव से पेट को निकालेंगे। दोस्तों अब हम चेस्ट पे रखते हैं चौथाई से हाफ इंच कम, तो हम 50 चेस्ट है तो, लेकिन हम 46 के हिसाब से चल रहे हैं तो हम को तख्ती रखना पड़ेगा। हाफ इंच कम होता है 11 इंच तख्ती रखना है। लेकिन दोस्तों अभी हम पेट निकालेंगे तो ये यहाँ से लब और बढ़ेगा, तो ये इस चीज़ को हमको ध्यान में रखते हुए तख्ती रखना है। ये हम 11.25 पे लगा रहे हैं दोस्तों, हाफ इंच यहाँ से हम अंदर जाएंगे और मेरी लब अभी बढ़ेगी तो ये मेरी आ जाएगी 11 इंच तख्ती तैयार। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो मैंने 11.25 इंच लिया है क्योंकि अभी पेट निकलेगा तो लब और बढ़ेगी तो मेरी 11 इंच तख्ती तैयार आ जाएगी। दोस्तों अब हाला हम रखेंगे नॉर्मल 36 साइज तक, तो 42 साइज तक, तो दोस्तों आप इसको चेस्ट से 8वां हिस्सा गिरा सकते हैं, 8वां हिस्सा रख सकते हैं। लेकिन अब साइज बड़ा हो गया है तो हमको इसको 5.5 से ज़्यादा नहीं रखना है, 5.5-6 से, तो 5.5 पे हमने ये मालिक लगा लिया है। अब दोस्तों इस तरह से 1.25-2 इंच पे ये मालिक लगा के इसको इस तरह से मिला लेना है। अब इसको हल्का सा शेप देते हुए ये दो सूट इस तरह से ये। दोस्तों अब हम हाले को यहाँ से कम 1-1.25 इंच उठाएंगे ऊपर, क्योंकि पेट है तो पेट वाले में हमको ये हाला का निशान जो है उठाना पड़ता है, तीक ऊपर उठानी पड़ती है। अब हम कंधी देख लेंगे कितनी आ रही है बैग की, ये 7.5 आ रही है तो 2 सूत ज़्यादा रहती है बैग की, तो हम 7.5 ये रख लेंगे। 2 सूत हमने कम करके नापा है दोस्तों इस तरह से। दोस्तों हम इसको हल्का सा डाउन करते हुए ये मारी पे ही लगभग कटेगा। अब आपको ये दिखा देते हैं सामना हमने कितना गिराया है। सामना हमने गिराया है 2.5 इंच, बैग गिराया था 2.25, सामना गिराया है 2.5 इंच। इसको इस तरह से हाफ इंच अंदर आते हुए दोस्तों देखिए ये मेरा 10.5 आ गया है। अभी लब से मैं पेट निकालूंगा तो ये मेरी 11 इंच तख्ती तैयार आ जाएगी। ये मेरा हो जाएगा वालियट 4 इंच का। पौन इंच तिरछा करेंगे वालियट को, दोस्तों यहाँ पे 1.25 इंच पे डाट डालेंगे ये। अब हम मेरी क्रॉस बैक तैयार आ रही थी 9.5, 9.5 हम इसको इस तरह से रखेंगे ये। उसके बाद 16.5 ये 16.5 आया है दोस्तों, देखिएगा ये 28.25 यानी 28 लगभग 28 है। ये 3 इंच लूजिंग रखेंगे दोस्तों चेस्ट पे। ऑल राउंड लूजिंग की बात करें तो ऑल राउंड लूजिंग हो जाएगी 6 इंच, तो 3 इंच हमने रखा तो ठीक है ये लूजिंग। अब हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। लेंथ दोस्तों जितनी भी होगी लेंथ है 31 है, तो हम यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि फ्यूजिंग व्यूजिंग होती है तो कपड़ा थोड़ा सिकुड़ता है। तैयार मेरी 31 इंच लेंथ आ जाएगी। और इस तरह से हम इसको ये मिला लेंगे, आपको जितना दबाव रखना हो आप रख सकते हैं।
अब यहाँ से 2.25 इंच पे ये मारिक लगा लेंगे, ये मेरी राउंडिंग जो होगी उसका मारिक है। पॉकेट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, तीसरा लेंथ की तीसरा हिस्सा लगभग रहता है दोस्तों, तो उस हिसाब से चलेंगे। ये मेरा पॉकेट का निशान हो जाएगा, उसी सेंटर में ये बटन आ जाएगा। अब वॉलेट का आधा इंच हाफ कर लेंगे 2 इंच। अब ये जितनी दूरी आ रही है 6.5, ये 6.5 पे ये मारिक लगा के इस तरह से ये डार्ट मेरी हो जाएगी। यहाँ से 2.25 इंच नीचे पॉकेट का निशान दोस्तों लगा लेंगे 6.5 इंच पे इस तरह से। अब डार्ट को इस तरह से दोस्तों मिला देंगे। जी दोस्तों, हमने 2 सूत इधर उधर भागे हैं, तो 2 सूत यहाँ से भी वही भागे हैं, क्योंकि डार्ट थोड़ा सा हमको इधर लग रही थी, तो हमने 2 सूत उधर भगा दिया। अब इसको दोस्तों यहाँ से 1/2 इंच नीचे ये मेरे आर्म होल का निशान लगता हुआ इस तरह से चला जाएगा। अब 1/2 इंच हमने यहाँ पे नीचे किया है, तो 1/2 इंच यहाँ पे मारिक लगा के यहाँ पे हमको डार्ट डालनी पड़ेगी। ये मेरी डार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसकी लूजिंग नाप लेते हैं, चेस्ट की लूजिंग तो हमने नाप ली थी, अब हम पेट पे देख लेते हैं कितना तैयार आ रहा है। ये 8.5 है, 8.5 ये रखेंगे, ये आया, ये डाट गई मेरी, और ये भी डाट दबेगी, ये दोस्तों ये 28.5, यानी 2 इंच लूजिंग हमने यहाँ पे रखा है। ऑल राउंड पेट पे हम लोग लूजिंग रखते हैं 4 इंच, तो 2 इंच हमने सामने में रखा है। 26.5 होता है दोस्तों 53 का, तो 28.5 पे ये मारिक लगा लिया। अब 4.5 पे बटन का निशान लगा लेंगे दोस्तों। अब ये मेरी ये देख रहे हैं, अब हम यहाँ से जब लब बढ़ाएंगे तो ये देखिए मेरी लब इतनी बढ़ी, तो मेरी तख्ती है आ गई 11 इंच। ये मैंने इतना इसको ये पेट निकाल दिया। अब राउंडिंग भी, क्योंकि पेट निकला है तो थोड़ा सा राउंडिंग पीछे ले लेंगे, जो मारिक हमने लगाया था 2.25 इंच पे, उससे थोड़ा पीछे ले लेंगे 1/2 इंच, उसके बाद ये गुलाई कर देंगे। ये मारिक नहीं है क्योंकि हमने लब बढ़ा दिया। अब दोस्तों 1/4 इंच पे ये मारिक लगा लेंगे, ये मेरी नपेल हो जाएगी। ये कांच से इस नपेल को इस तरह से मिला लेंगे, शेप पट्टी रख के आपको जितनी नपेल की चौड़ाई रखना हो 2.5 इंच 2.75 इंच आप मारिक लगा के उसको इस तरह से ये लगा लेंगे। ये मेरे सेंटर का निशान हो जाएगा, ये मेरे साइड चाक दोस्तों। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों इसकी कटिंग कर लेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों हिप पे भी हमको 4 इंच लूजिंग रखना है ऑल राउंड। हिप की नाप हमने नहीं बताया था, हिप पे देख लेते हैं मेरी कितनी लूजिंग आ रही है। 8.25 ये आ रहा है, 8.25 ये रखा हमने, ये मेरी गई, ये दोस्तों आ रही है 27.5, यानी 1-2 यहाँ 1 इंच ज़्यादा लूजिंग आ रही है, तो ये डार्ट से हम इसको निकाल देंगे। इसको हम डार्ट से निकाल देंगे। इस तरह से दोस्तों हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हिप पे थोड़ा लूजिंग ज्यादा आ रही थी,
तो हम ये डार्ट से अभी आपको बताता हूँ किस तरह से हम पीस निकाल देंगे। ये हम साइड पीस की कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा दबाव रख लेंगे क्योंकि हमको चेस्ट पे टाइट करना पड़े तो हम पीछे आ सके। दोस्तों अब देखिए किस तरह से हम इससे पीस निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक इंच पीस हमने ये काट के निकाल दिया। दोस्तों मेरी कोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में शो होती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।